ये है सेंट्रल मार्केट। ओके, तो चेक कर रही हूँ व्हाइट लूंगी कि रेड लूंगी। और इस चक्कर में फिर रास्ते में हम दोनों की लड़ाई हो गई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है गाइस आपका हमारी नई वीडियो में। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं अपनी पुरानी जगह पे। वैसे दीवार से तो क्या ही पता लग रहा होगा, इनसे पता लग रहा है ये नई लगाई गई है ये। अभी कहाँ से क्रिसमस आ गया वाला है, तो मैंने सोचा था कि मैं भी यहाँ नहीं थी, ये आ गया था मुझसे पहले, तो मैंने फटाफट सुबह सुबह लगा दी, ये सो रखा था, एंड आई वाज लाइक मैरी क्रिसमस। और मैंने ऐसे किया था, ये लाइट देख के मैंने क्रिसमस। ये गई हुई थी अपनी बहन के घर जो रहती है गुड़गांव में, जिससे मैं भी मिला था एक बार आकांक्षा से, आकांक्षा चौधरी चौहान, पूरा नाम नहीं लेना गाइस, ये कह रही है तो नहीं बोले देख लो, दिस नॉट फेयर, कह रही पूरा नाम नहीं, दिस इज नॉट डन एक्चुअली। तो बस अभी निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ लाजपत नगर वापिस से, क्योंकि गाइस यू कैन सी माय न्यू शूज। बोलने नहीं देती है हर बार ये बीच में, मैं इसको किस दिन मार दूंगा, मैं इसके रैपटा का जूते देख लो। गाइस माय न्यू शूज विद न्यू सॉक्स, मैचिंग सॉक्स और मेरा ये जूता। तो भी जा रहे हैं लाजपत नगर, मत कर यार, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, देख लो गाइस। अरे यार बोल नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो वापस से जा रहा हूँ मैं लाजपत नगर, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं पे है, तो जो मेरा लाजपत के मोमोज भी। अरे यार मैं नहीं बोल रहा यार, मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते में बोलूंगा आपको, अलग से साइड में जाके ना तब बोलूंगा, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद लिफ्ट में चढ़ा हूँ मैं, देख लो वहाँ तो सीढ़ियाँ थी, देखा था तूने, सीढ़ियाँ चार चार फ्लोर की सीढ़ियाँ थी। तो गाइस आज इसने हेयर स्टाइल बनाए थे, दिखाता था हेयर स्टाइल तो दिखा देते था, क्या हेयर स्टाइल नहीं बनाया आज तुमने। अरे वापस ऊपर गई लिफ्ट, अरे यार ग्राउंड फ्लोर थे और क्या, वापस ऊपर गई, तुमने जानबूझ के किया? मैंने क्या किया, ऊपर किसी ने हाथ बुला ली होगी। तो इसकी हरकतें देख लो, ये देख लो, टैग नहीं उतारा इसने, ये तो ऐसे तो हटेगा ही नहीं है, काटना पड़ेगा किसी चीज से, नहीं तो फट जाएगा ये, मोटा है वो बहुत। तो पहले कुछ खाएं या चलें ये बताओ, क्योंकि जाने में लगेंगे एक घंटा और सुबह से कुछ खाया नहीं अभी फिलहाल। मैं इतनी लकी हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहता है, घर से बाहर निकलती हूँ पैसे गिरे हुए मिल जाते हैं, पर उन पैसों का मैं क्लियर कट बोल देती हूँ, मैं और नितिन डिस्कस करते हैं कि अब हम इसका क्या करेंगे, कौन से मंदिर में रखेंगे, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना किसी का है, और गलत भी हो सकता है यार अब। और ये ऐसा क्यों कह रही है, अब इसको लग रहा था कि इसको सोने की ये मिली है। नहीं ये देख, सुन, नहीं नहीं सुन, अब बात सुन, अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन ध्यान से, उठाते ही बोल गया था कि दिस इज फेक, अब बात तो सुन ले, उठा बात तो नहीं सुन, बात तो सुन ले, हाँ माँ कसम बात तो सुन, क्या माँ कसम, चालाक बन रहे ये हमेशा झूठ बोल के, अब बात मत खाया कर, बात तो सुन ले यार, मेरे को नहीं करनी तेरी। तो गाइस मैं कह रहा था इसने नीचे से क्यों उठाई, इसे लगा होगा कि सोने की, तभी तो उठाई, वो तो हाथ नहीं, में मैं इसको दिखाने वाली थी, मेरे को मत अच्छा। बना मेरे को अच्छा अच्छा, तुझे नीचे से पता लग गया तो सोने की नहीं है ये, मैं तेरे लिए बना रही थी। देखो भाग रही, इसको लगा था सोने की है और उठाई, झूठ बोल रहे, और चेक किया तो नकली थी, दिस इज टोटली ओके लाइंग। हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से मेट्रो पे जाएंगे, मेट्रो का रूट मैंने मंगवा लिया है। तो हुड्डा सिटी सेंटर का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया मिले नियम, तो ऑनलाइन हम चेक कर रहे थे टिकट के लिए तो आ ही नहीं रहा था, नाम रख दिया मिले नियम, ये कैसा नाम है। तो ये लाइन में लग चुका है टिकट लेने, क्योंकि ऑनलाइन आ तो रही है, टिकट अवेलेबल भी है, बट उसमें ना हमें दो स्विच करना पड़ेगा, एक तेरा और एक मेरा। तो हम आ चुके हैं लाजपत नगर में मोमोज ट्राई करने, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मोमोज ट्राई करने वाली हूँ, जो है डोलमा आंटी के मोमोज, जिसने देखा ना परसों, मैंने कहा लेट्स ट्राई,
तो वापस से लेके आया हूँ मैं इसको डोलमा आंटी मोमोज। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है और मैं ट्राई करने वाली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेट्स सी टेस्ट में कैसा होता है। और इतनी भीड़ है ना, गर्मी भी लगी थी तो मैंने जैकेट भी उतार दी अपनी। अगर ये ना अच्छा लगे ना तो मैं देखो पीटूंगी। मैं कह रहा हूँ मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ। मैं 100% श्योर हूँ जितने दिन मैं कांचा के घर रहूंगी ना तो तूने यहाँ एक्सप्लोर किया होगा, इसलिए तू मुझे कह रहा है। यही खाया मैंने सब, है ना? और खाली यही खाया ना? और कैसे थे? अच्छे थे, बढ़िया ना, सॉफ्ट और अंदर से भी। ये एक ओनली वन स्मॉल लेमन या जीरा एक बनाना भैया। थैंक यू। मतलब ब्यूटीफुल मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट है ये, है सेंट्रल मार्केट। ओके यस, भीड़ बहुत होती है। जय बजरंग बली। तो मैं आई हूँ अभी एक स्टॉल्स का एक छोटा सा वो है, स्टॉल ही है, तो चेक कर रही हूँ वाइट लूंगी कि रेड लूंगी, क्योंकि हम दोनों का एक थीम है क्रिसमस के लिए, वो हम प्लान कर रहे हैं और रीजनेबल प्राइस भी है 150। रेड चूज किया नितिन ने, रेड लेंगे। यस कुछ भी देख लेंगे, वैसे काम आ जाएगा, ये तो मुझे अच्छा लगा, मैं तो ले जाऊंगा मेरे लिए नहीं इसके लिए। सो फाइनली वी आर बैक होम, आवर स्वीट होम, प्यारे से घर पे वापस आ चुके हैं, कपड़े चेंज कर लिए, बेड में बैठ गए क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी और इसका जैकेट इसको नहीं मिला। मेरे को ऐसे लगा ऐसे ले गया ना मेरे को, चलो लाजपत चलते, पूरा ट्रॉली लेके आ रहा है। अभी इसका बिहाइंड द रीजन बताएगा ये, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पसंद किया है नितिन ने अपने लिए, एक्चुअल नितिन खुद पहनने वाला है और ये मैं पहनने वाली हूँ। ये पहनना है मुझे, हाँ मतलब पर्ल और ये दोनों इसको पहनना है, ये गोल्ड वाला और ये गोल्ड वाला मैं पहनने वाली हूँ। तो अभी हम ये चेंज करेंगे और ये दोनों कान में पहनाएंगे। तो मैं ना आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये मुझे उतना नहीं, हाँ अगर इससे भी हम थोड़ा वो जो नहीं आता है छोटा एकदम, वो वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, सूट करेगा तुम पे, और ये वाला मेरे को ज्यादा बेस्ट लगा तुम्हारे लिए। तो रामलीला वाला लग रहा है। आई एम माय लुकिंग नितिन, ये वाला मुझे ज्यादा बेटर और अच्छा लग रहा है। मतलब वैसे एक्चुअली लड़के ज्यादा ऐसे स्टड्स पहनते है ना, बहुत गंदी हैबिट हो चुकी है ना डकार मुंह पे मारने की। मुंह पे का मार रहा है? हाँ मुंह पे ही मार रहा है, यहाँ मार रहा है। यहाँ का था। तो गाइस मैं ना आज आपको आज की पूरी कहानी बता देता हूँ पूरे दिन की, कि मैं लाजपत नगर क्यों गया था, किस वजह से गया था और क्या बना हमारे साथ। क्या पूछो मत क्या ही हुआ। मैं दरअसल गया था, कल से आता हूँ, कल की बारी से आता हूँ। जो मेरा फ्रेंड था वहाँ पे राहुल, उसको चाहिए थी रात को गाड़ी और मुझे आना था गुड़गांव, मतलब उसको सुबह भी चाहिए थी रात को भी चाहिए, तो मैंने बोला रख ले मैं कल ले जाऊंगा। तो मैं तो आ गया रात को गुड़गांव और गाड़ी मैं वहीं छोड़ आया। मैंने ना उसको सुबह फोन किया ना कुछ कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने उसको रास्ते में फोन किया जब मैं पहुंचने वाला था कि मैं आ रहा हूँ गाड़ी वहीं खड़ी है ना, तो वो बोला मैं तो सिरसा ले आया गाड़ी। मैं कहा है, उसने जाना था सिरसा। मैंने बोला बता तो देता, कह रहा मैंने फोन किया था तूने उठाया नहीं। मेन चीज क्या है, गाड़ी में थे मेरे सारे कपड़े, मेरे जूते, मेरे कपड़े, और मेरे पास यहाँ पे 3-4 जोड़ी कपड़े हैं बस, जो मैं यहाँ पे घर नहीं लेके गया था। मेरे सर्दी की जैकेट वैकेट मोटी सब गाड़ी के अंदर है, और वो पता नहीं कब आएगा सिरसा से। और वो लेके क्यों गया, बोला मेरी कैब नहीं हो रही थी, मैं सोचा गाड़ी ले जाता हूँ। मैं कह रहा यार कपड़े तो रख देता, उनने मतलब मेरे कपड़े गाड़ी में सारे ले गया, पीछे रख के तू घर रख दे। और मैं जैसे ही पहुंचा वहाँ, वापस मेरे एक वो पड़ी थे, एक स्वेट शर्ट पड़ी थी मेरी ग्रे कलर की वहाँ, तो वो लेके आया मैं वहां से। अभी थोड़ी मार्केट घूम ली, खाया कुछ है नहीं, ऐसा ही सफर रहा। और इस चक्कर में फिर रास्ते में हम दोनों की लड़ाई हो गई, सारे रास्ते हम चुप आए ऐसे, ये साइड खड़ी थी मेट्रो में, मैं सेट मुंह करके खड़ा था। उसका भी रीजन है क्योंकि तुम्हारे काफी सारे नोन्स मिल गए थे मेट्रो में। ये कहानी थी आज की, इसी वजह से हमारी थोड़ी सी लड़ाई भी। कह रही जब तुझे पता था, कह रही तूने उसको, हाँ मतलब फोन तो करना चाहिए था ना सुथार को, उसका आया था मैंने नहीं उठाया था, तो जब हम जा रहे थे तब क्यों नहीं कहा। जब उसने बोला हाँ, मुझे लगा मजाक कर रहा है, सच में मुझे लगा था, मुझे यही लगा था कि वो मजाक कर रहा है। फिर भी मैं आधे रास्ते जब पहुंचा ना वहाँ, हमारी बात हुई और वहाँ जाके पता लगा, मैंने कहा वीडियो कॉल कर, वही वीडियो कॉल कर तो रास्ता दिखा रहा है वो, तो मुझे हिसार पहुंच गया बोल रहा मैं तो बस बहुत बुरी बनी मेरे साथ। अब ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास कपड़े है, और पता नहीं वापस कब आएगा। आपके पास टू व्हीलर की वाहन है? मेरे पास कौन सी टू व्हीलर, सॉरी टू व्हीलर कह रही, 11 नंबर की गाड़ी है ना आपके पास? सही सलामत 11 नंबर की गाड़ी नहीं आपके पास? अच्छा पैर, यस सलामत है, चले फिर 11 नंबर की गाड़ी पे। चलो ठीक है चले दिल्ली, बाहर ऑटो भी है, टोटो भी है, मेट्रो भी है। तो कपड़े देना भाई, पूरा बैग पड़ा है पीछे। कोई बात नहीं, कल आपको एक और सरप्राइज देती हूँ फिर मैं, कुछ और मंगवाया मेरे लिए। यस तो बस मिलता हूँ मैं आपसे कल गाइस, कल का सीन कुछ, कल हम एक डिफरेंट मार्केट के ऊपर व्लॉग बनाते हैं। हाँ। 2-4 दिन तेरे को मैं सरोजनी लेके चलूंगा, ये मैंने इसको बताया ना मैं सरोजनी गया। और ये तो भाई मैंने उसको अकेले
नहीं ऑब्वियसली अकेले अकेले गए ना, तब सो रखी है, वहाँ जाना है वहाँ जाए। मैंने इसको बताया ना इतने इतने के कपड़े इतने ऐसे वैसे और बढ़िया वाले, इसको हो रखा है कि अब जाना है जल्दी जाना है, तो जल्दी जाएंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आऊंगा मैं इस बार। पिछली बार तो मेरे मतलब का तो कुछ था ही नहीं, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, दिखा ही नहीं पाया, क्या ही करूं। अगर जाएगी तो पूरा आपको बताएगी, रेट भी बताएगी, कौन सी दुकान पे सबसे बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, सबसे अच्छे टिकाऊ। माइक ले जाएंगे ना अच्छे सा और प्रॉपर बना के आएंगे, प्रॉपर सरोजनी का आपको एक व्लॉग दिखाऊंगा। तो बस आज की वीडियो को ये समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बाय बाय गाइस।